General introduction from Ramakrishna Pulikanla's Fundamentals of Indian Philosophy. It is a widespread belief in the West among philosophers and non-philosophers alike that philosophy is systematic inquiry into the nature of things as a uniquely Western activity conspicuously absent in non-Western cultures and civilizations. Let this assertion be deemed specious and unfounded, we shall document it two well-known contemporary American philosophers, right? तो ये बात सच है. अगर आप यू नो बुक्स पढ़ेंगे, अगर आप वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बुक्स पढ़ेंगे, आप स्टेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आप बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको उसमें मेंशन दिखेगा कि इंडियन फिलोसफी जैसी कोई चीज थी नहीं. यानी कि फिलोसफी एक यू नो सिस्टमैटिक स्टडी के जैसे, मतलब एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट, एक सिस्टमैटिक स्टडी जो उसका ओरिजिन ग्रीस में हुआ था, ग्रीक फिलोसफी से हुआ था, और वो ग्रीक फिलोसफी में ही डोमिनेंट थी, ग्रीक फिलोसफी ही डोमिनेंट थी. यानी इंडियन फिलोसफी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि जो इंडिया में फिलोसफी थी वो एक्चुअली में फिलोसफी नहीं थी, वो उनका रिलीजन था. सो यहाँ पर जो अमेरिकन राइटर्स लिखते हैं वो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ती हूँ, बस यहाँ लिख देती हूँ कि डेवलप्ड अ जेन्युइन फिलोसफी, नन ऑफ देम कैन बी सेड टू हैव डेवलप्ड अ जेन्युइन फिलोसफी एक्सेप्ट द ग्रीक्स. यानी कि अमेरिकन फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स, उनका कहना है कि ग्रीक्स के अलावा कोई भी फिलोसफी डेवलप नहीं कर पाए. यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर्स इंडियन फिलोसफी को निग्लेक्ट कर देते हैं. एंड इवन वेल दे ग्रांट दैट एवरी पीपल मे हैव हैड अ फिलोसफी ऑफ इट्स ओन, वेस्टर्न फिलोसफर्स क्विकली सेड दैट ओनली फिलोसफी इज कंसीव्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन देयर ओन ट्रेडिशन इज अ ट्रू एंड जेन्युइन फिलोसफी. Those of others being no more than poetry, faith and ethics at best and mythology at first. तो जैसे कि वो यहाँ पर एक और चीज बताने की, वेस्टर्न फिलोसफी फिलोसफर्स का ये भी मानना है कि ये बात जरूर है कि हर एक यू नो एरिया, रीजन या फिर सेक्ट की अपनी खुद की एक फिलोसफी रही होगी, लेकिन उनकी फिलोसफी ट्रू और जेन्युइन फिलोसफी नहीं थी. सिर्फ ट्रू और जेन्युइन फिलोसफी ग्रीक फिलोसफी थी. बाकियों की जो फिलोसफी थी उसको आप पोएट्री मान लो, उसको विश्वास, पोएट्री, कविता, एथिक्स मान लो, या फिर आप यू नो एट बेस्ट एथिक्स वगैरह मान लो, या फिर एट वर्स्ट आप उसको माइथोलॉजी मान लो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने जो डीम करा है वो फिलोसफी नहीं थी, वो एथिक्स होगा, रिलीजन हो गया, माइथोलॉजी हो गया, पोएट्री हो गया, फेथ हो गया, दूसरी ये सब चीजें हो गई. लेकिन ट्रू फिलोसफी, जेन्युइन जो फिलोसफी है वो ग्रीस के अलावा, ग्रीक फिलोसफी के अलावा और कोई नहीं है. Small wonder then that every book on the history of Western philosophy, with perhaps a single exception of Bertrand Russell's, is entitled History of Philosophy without qualification, thereby implying that there is no philosophy other than the Western philosophy. यानी कि Bertrand Russell की History of Philosophy, जिसका हमने introduction भी करा है, introduction में Bertrand Russell, उसके अलावा कोई भी Western philosopher जो है वो Western philosophy के अलावा कोई और दूसरी philosophy की बात ही नहीं करता है. उनके लिए Indian philosophy exist ही नहीं करती है. How does one account for this pervasive attitude among Western philosophers? I venture to say that such an attitude is due, on the one hand, to massive ignorance of alien intellectual traditions, and on the other, to inveterate parochialism. यानी कि इसका ऐसा एक उस चीज का होना कि जहाँ पर हम you know completely उसको ignore कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं. उसके दो रीजंस हो सकते हैं. पहला रीजन तो है कि मैसिव इग्नोरेंस एलियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का, कि जो ट्रेडिशन आपका खुद का नहीं है उसके प्रति इग्नोरेंस होना, क्योंकि उसको हम एक एलियन वो समझ रहे हैं कि यू नो दिस इज नॉट ऑफ आवर कंट्री, नॉट ऑफ आवर रीजन, वट एवर, इस वजह से. एंड द नेक्स्ट इज ऑफ दैट ऑफ इनवेटरेट यू नो पैरोकियलिज्म, यानी कि एक तरीके से नैरो विजन होना. ठीक है कि हम यू नो एक बहुत ही फोकस्ड जगह फोकस्ड एरिया पर, फोकस्ड वर्क पर ही फोकस कर रहे हैं, एक लिमिटेड उस पर फोकस कर रहे हैं, तो बाकी सब चीजों को हम ऑटोमेटिकली निग्लेक्ट कर रहे हैं. एक और रीजन क्यों वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है वो डिसमिस कर देते हैं नॉन वेस्टर्न फिलोसफीज को, उनको मिथिको रिलीजियस नाम कह देते हैं, क्योंकि उनका खुद का ट्रेडिशन जो था एक शार्प ओपोजिशन में था. तो वेस्टर्न फिलोसफर्स का एक और तरीका, वो इंडियन फिलोसफी को कह देते कि ये तो माइथोलॉजी है, मिथिक्स है, कि ये तो यू नो राजाओं, रानियों, परियों, देवताओं, इनकी कहानी बता रहा है, रिलीजियस है, इसलिए कह देते, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी जो है उसके बहुत शुरुआत में, या उसके बहुत शुरुआत हुई थी एक डिस्टिंक्शन से,
आप वेस्टर्न फिलोसोफर देख लीजिए, आप प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस देख लीजिए. अगर हम आयोनिक्स की बात करें, थेलीज एंड एक्जिमेंडर, उनके टाइम का हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन शार्प डिस्टिंक्शन तो प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, खासकर ये जो तीन फिलोसोफर्स थे, ये बहुत अगेंस्ट थे रिलीजन के. तो इनके लिए रिलीजन वॉज समथिंग, मतलब फिलोसफी से बहुत ही अलग था. इनफैक्ट फिलोसफी का ऑपोजिट था रिलीजन. तो एक डिस्टिंक्शन देखते थे रिलीजन और फिलोसफी के बीच में. तो इंडियन फिलोसफी एक खासियत ये है कि इट इज वेरी मच इंटरमिंगल्ड विथ रिलीजन. फिलोसफी इज डिफरेंट. आप इंडियन फिलोसफी को सेपरेटली पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटरमिंगल्ड है. ऐसा नहीं है कि रिलीजन और फिलोसफी एक ही चीज है. तो क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में, ग्रीक फिलोसफी में रिलीजन और फिलोसफी वर नॉट वर कंप्लीटली सेपरेट, एंड दे वर इन स्टार्क ऑपोजिशन विथ ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. इसीलिए भी वेस्टर्न फिलोसफर्स इंडियन फिलोसफी को निग्लेक्ट कर देते हैं. तो उनका खुद का एक बहुत लंबा स्ट्रगल था, क्योंकि लोग जो थे वो रिलीजन को इतना ज्यादा मानने वाले थे कि एट फर्स्ट फिलोसफी वॉज क्रिटिसाइज, हेविली क्रिटिसाइज. सोक्रेटिस को तो यू नो ही वॉज किल्ड बाई गिविंग पॉइजन, एंड द सेम फीट हैपन विथ सो मेनी अदर्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे फिलोसफी के थ्रू. तो अंडरलाइन सच मिसगाइडेड थिंकिंग इज द अनवॉरंटेड व्यू दैट द टर्म्स फिलोसफी, रिलीजन एंड रिलीजियस कॉन्शियसनेस मस्ट मीन द सेम टू नॉन वेस्टर्न पीपल्स एज दे डू टू वेस्टर्नर्स. बट द फैक्ट दैट इन सच कल्चर्स इज द इंडियन एंड चाइनीज रिलीजन एंड फिलोसफी हैव ऑलवेज बीन इनसेपरेबल डज नॉट मीन दैट देयर मोड्स ऑफ थॉट आर लेस रैशनल एंड वर्दी ऑफ आर अटेंशन दैन वेस्टर्न फिलोसफीज. येट अनदर सोर्स ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन फिलोसफीज इन वेस्टर्न फिलोसफर्स बिलीव दैट एनी थॉट वर्दी ऑफ द टाइटल ऑफ फिलोसफी मस्ट नेसेसरीली डील विद साइंस इज अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस्ड इन द वेस्टर्न वेस्ट During the last 300 years, since the Indian systems of thought do not deal with problems arising out of modern Western science, we are told that they are not philosophies at all, but mythology and religion. तो हमने तीसरा वो भी देख लिया कि तीसरा रीजन क्यों वो करते थे, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में फिलोसफी रिलीजन के खिलाफ थी, और इंडियन में या फिर चाइनीज फिलोसफी में भी हम देखें, अगर हम चाइनीज फिलोसफी भी देखेंगे तो वो बहुत कुछ जो यू नो रिलीजन है उसके साथ इंटरमिंगल्ड है, उसके साथ यू नो मिक्स्ड है और सिनोनिमस है बहुत जगहों पर उसके साथ. सो एक रीजन ये भी था. फोर्थ रीजन जो हम देखते हैं कि क्यों वेस्टर्न फिलोसोफर जो है वो नॉन वेस्टर्न फिलोसफीज को निग्लेक्ट कर देते, वो ये है कि वेस्टर्न फिलोसफी एक तरीके से मॉडर्न वेस्टर्न साइंस के आंसर्स देता था. एंड वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो कहना कहीं साइंटिफिक लाइन्स के ऊपर बेस्ड था. आप थेलीज के वो देखेंगे तो थेलीज कहता है कि वाटर इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. वो साइंटिफिक यू नो लाइन्स पर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, प्लैनेट्स को, अर्थ को कैसे. एनाक्सिमेंटर आप देख लीजिए, एनाक्सिमींस आप देख लीजिए कि कैसे, एक कहता है कि आउट ऑफ एयर निकल के आए, थेलीज कहते हैं कि आउट ऑफ वाटर सारे क्रीचर्स निकल के आए हैं. तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे वो साइंटिफिक लाइन्स पे वर्क कर रहे थे, लेकिन जो नॉन वेस्टर्न फिलोसफीज है वो मॉडर्न साइंस, मतलब साइंटिफिक लाइंस पे काम ना करते हुए रिलीजन और माइथोलॉजी के साथ उनको रिलेट करा जाता था. इसलिए ये चार हमने रीजंस देखे कि क्यों वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है वो नॉन वेस्टर्न फिलोसफीज को निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको माइथोलॉजी रिलीजन, ट्रूथ रिलीजन या पोएट्री ऐसे कुछ कह के बोलते थे. तो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद द अबव एटीट्यूड वी विश टू पॉइंट आउट दैट द फिलोसफी ऑफ एनी पीपल इज नॉट टू बी आइडेंटिफाइड विद एनी पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट, मेटाफिजिकल, साइंटिफिक, एथिकल, सोशियो पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक, माइथोलॉजिकल और रिलीजियस. नॉट डज इट मेक सेंस टू जज वेदर और नॉट द थॉट ऑफ अ गिवन पीपल इज फिलोसफिक और बाय प्री कंसीव्ड क्राइटेरिया, स्पेशली दोज ऑफ वंस ओन ट्रेडिशन. तो इसके शार्प कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें, हमारा मानना यह है कि कोई भी फिलोसफी को हमको एक तरीके से लेबल नहीं कर देना चाहिए, मेटाफिजिकल फिलोसफी, साइंटिफिक फिलोसफी. फिलोसफी एक फिलोसफी और उसमें यानी कि फिलोसफी इज लाइक एन अमेलगेशन ऑफ बहुत सारे सब्जेक्ट्स, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. तो माइथोलॉजी भी एक तरीके से फिलोसफी भी है, ये एक डिफरेंट स्फीयर ऑफ फिलोसफी है. देन लेट्स से मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल के कंपेरिजन में माइथोलॉजिकल एक डिफरेंट डिसिप्लिन है फिलोसफी का, बट वो फिलोसफी का एक हिस्सा है. Nor does it make sense to judge whether or not the thought of a given people is philosophic by preconceived criteria, especially those of one's own tradition.
तो यानी कि सिर्फ खुद के ट्रेडिशन के बेसिस पर दूसरे की फिलोसफी को जज करना कि व्हाट अदर्स हैव सेड या बाकियों के लिए फिलोसफी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग. जो फिलोसफी ऑफ एनी पीपल वो उसके कल्चर का एक क्रीम पार्ट होता है, मतलब कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. वो लोगों के सोचने का, समझने का, रहने का एक एक स्टाइल होता है. उस स्टाइल का एक एक कोर होता है. यानी कि फिलोसफी जो है इन सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. हम जब बात करते हैं फिलोसफी की, अगर हम इंडियन फिलोसफी की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स ने बात की है कि ये पूरी वर्ल्ड एक मटीरियलिस्टिक चीज है, इसमें मोह माया नहीं होना चाहिए. तो वो लोगों के जीने का तरीका, उनका एक्सप्रेशन, उनकी थिंकिंग कि वो किस तरीके से बर्थ रिबर्थ के साइकिल से फ्री होना चाहते थे, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, ये सब चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. तो फिलोसफी है वो हर लोगों का एक प्रोडक्ट है, ऑफ उसके एनवायरनमेंट का, उसके कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल और रिलीजियस एक्सपीरियंस का. यानी कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसका मॉरल एक्सपीरियंस, एस्थेटिक, ये सभी वर्ड्स का आई डोंट थिंक कि मुझे सेपरेटली मीनिंग समझाने की जरूरत है. एज सच टू जस्ट द फिलोसफीज ऑफ अदर्स बाय स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया ऑफ वन्स ओन कल्चर इज एन एक्ट ऑफ ब्लाइंड सेल्फ ग्लोरिफिकेशन होली एंड कंड्यूसिव टू अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स. टू अंडरस्टैंड अ पीपल एंड इट्स कल्चर इज टू अंडरस्टैंड हाउ इट सीज द वर्ल्ड इटसेल्फ एंड अदर पीपल्स इन अनलेस And until members of each culture approach the philosophies of others with an open mind and study them seriously, there will neither be an understanding of other peoples nor the enlightenment and enrichment of one's own philosophy and culture that can only result from such understanding. तो यही बात की जा रही है कि अगर हमें किसी दूसरे के कल्चर को, किसी दूसरे की फिलोसफी को समझना है तो हमें एक ओपन माइंड के साथ उसे समझना होगा. एंड जस्ट सिंपली अपने कल्चर, अपनी फिलोसफी, अपने स्टैंड पॉइंट और अपने व्यू से अगर हम किसी दूसरे उसको जज कर रहे थे, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो हमें नैरो माइंडेड बनाएगा, क्योंकि हर एक का रीजन होता है, अलग अलग रीजन है व्हाई वन पर्टिकुलर फिलोसफी इज इन सच अ वे. देखिए ग्रीक फिलोसफी क्यों वैसी, ग्रीक फिलोसफी उसका एक पर्टिकुलर रीजन है. क्यों इंडियन फिलोसफी वैसी है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है. उसके एनवायरनमेंट से, उसके लोगों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, मोरालिटी से, हिस्ट्री से, सभी चीजों का उस पर फर्क पड़ता है. ऑल्दो कंपेरेटिव फिलोसफी इज स्टिल अ यंग डिसिप्लिन, इनफ वर्क हैज बीन डन इन दिस फील्ड टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ फिलोसफिकल कम्युनिकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. तो कंपेरेटिव फिलोसफी फिर भी यंग डिसिप्लिन है. कंपेरेटिव फिलोसफी होने का मतलब कि हम फिलोसफीज को कंपेयर करें, इंडियन फिलोसफीज कंपेयर्ड विद ग्रीक फिलोसफी. जैसे कि आप देखेंगे कि एक समय पर आपको पता चलेगा कि आगे जाकर, यानी ग्रीक फिलोसफी में अगर आप आयोनिक्स, इलियाटिक्स वगैरह ये सब हम पढ़ने के बाद, जब हम एक सर्टन स्टेज पे मे बी पाइथागोरियंस है उनके हम पढ़ेंगे, तो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज ऑल मटीरियल एंड वी देर शुड बी फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. वो भी कुछ इसी लाइन्स पे बात कर रहे हैं. तो यू कैन सी कि एक पॉइंट पर आके उनका कंपेरिजन भी हम कर सकते हैं कि बहुत सिमिलैरिटीज भी हमें मिलती है. Nevertheless, owing to intellectual chauvinism and delusions of cultural supremacy, philosophers of each tradition continue to contemptuously dismiss the philosophy. तो डिल्यूजन्स ऑफ कल्चरल सुप्रीमेसी कि हमारा कल्चर सुप्रीम है, हमारी फिलोसफी सुप्रीम है, उसको हटाकर, और हर एक ट्रेडिशन, फिलोसफर्स ऑफ ईच ट्रेडिशन कंटिन्यू डिसमिस द फिलोसफीज ऑफ अदर ट्रेडिशन. तो यही रहता है कि हम हमारी फिलोसफी को, यानी कि दिस इज नॉट ओनली विद फिलोसफी, दिस इज अ वेरी जनरल नोशन कि हम हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी फिलोसफी, हमारी सब कुछ को हम बहुत सुप्रीम मानते हैं. हम हमारी कंट्री को एक ऐसे तरीके से व्यू करते हैं लाइक इट्स द बेस्ट, इट्स द सुप्रीम ऑफ ऑल, सभी में सबसे अच्छा है. ओके, आई डोंट नो व्हाई इज देयर अ प्रॉब्लम इन दिस पेज इज नॉट लोडिंग. ओके, लेट्स ट्राई टू मूव टू अनदर पेज. ऑल ऑफ देम हैव लोडेड इन. ओके, आर देर एनी पाथ्स टू फ्रीडम, वॉट इज गुड लाइफ, हाउ टू अटेन इट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. तो ये इंडियन फिलोसफीज के कुछ बहुत ही कोर क्वेश्चन है जो हम जो आपने हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फिलोसफी में भी, के पाथ्स टू फ्रीडम. बुद्धा भी जो है वो बुद्धिज्म में भी इसी बारे में बात की जाती है, फोर नोबल ट्रूथ्स एंड हाउ देर इज द पाथ टू फ्रीडम, गुड लाइफ क्या है, उसको कैसे अटेन करे, परफेक्ट लिबरेशन, एवरीथिंग. तो आगे बढ़ने से पहले ये पॉइंट आउट होना चाहिए कि दो इंडियन आंसर्स इन क्वेश्चंस के आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू दी वेस्टर्न वंस. कई जगहों पर इंडियन और वेस्टर्न आंसर्स दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम है,
पाथ्स टू फ्रीडम क्या है, फ्रीडम क्या है, अटेन कैसे करें, गुड लाइफ क्या है. तो गुड लाइफ में जैसे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी वर्च्यूज की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे, इंडियन फिलोसफर्स भी इसी के बारे में बात करेंगे. तो कहीं ना कहीं पर कुछ लाइन्स पर इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के आंसर्स बहुत कुछ सेम है. देर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड वेस्टर्न मेथड्स ऑफ फिलोसफी एंड पॉलिटी. तो अब सबसे पहले हमने फोर रीजंस देखे कि क्यों वेस्टर्न फिलोसफर्स इंडियन फिलोसफी को जो यू नो निग्लेक्ट करते हैं या फिर उसको एज अ फिलोसफी नहीं मानते. अब हम देखते हैं कि देर इज अ दैट अब हम देखेंगे कि देर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड मेथड्स ऑफ वेस्टर्न मेथड्स ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, यानी फिलोसफी में इंक्वायरी करने की, टू गेट टू नो द आंसर्स. वेस्टर्न तरीका और इंडियन तरीके में एक डिफरेंस होता है. दस वेर एज वेस्टर्न फिलोसफर्स ट्रीट मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिक्स एक्सेट्रा सेपरेटली, इंडियन फिलोसफर्स डू नॉट. रादर दे डिस्कस ईच प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू. द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द इंडियन फिलोसफर्स कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस. द फर्स्ट इज नोन एज पूर्व पक्ष प्रायर व्यू, इन विच द फिलोसफी प्रेजेंट्स इज ओपोनेंट्स पोजिशन अलॉन्ग विद द लेटर आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ इट. इन द सेकंड नोन एज खंडन, द रेफ्यूटेशन, द फिलोसफर रेफ्यूट्स हिज ओपोनेंट्स पोजिशन बाय सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म एंड आर्ग्यूमेंटेशन. एंड इन द लास्ट नेमली उत्तर पक्ष, द सब्सिक्वेंट व्यू, ही प्रेजेंट्स हिज ओन पोजिशन अलॉन्ग विद प्रूफ्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ इट. द लास्ट स्टेज इज सो कॉल्ड सिद्धांत कंक्लूजन. तो हम देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न इंक्वायरी में, वेस्टर्न फिलोसफिकल इंक्वायरी और इंडियन फिलोसफिकल इंक्वायरी में. वेस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है कि मेटाफिजिक्स, एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ये सारे अलग अलग डिसिप्लिन हैं. दूसरी तरफ यानी कि ये सारी चीजें जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी. आपको एपिस्टेमोलॉजी पे पूरा अलग सेक्शन मिलेगा, मेटाफिजिक्स पर अलग सेक्शन मिलेगा. जबकि अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, इंडियन फिलोसफी में ये सारे कंबाइंड हैं. इसमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे. तो आप अगर कोई भी इंडियन फिलोसफी की बुक पढ़ेंगे तो जैसा इसमें एक्सप्लेन किया है आपको एग्जैक्टली वैसा स्टेज मिलेगा. आप इंडियन फिलोसफी की कोई भी बुक उठा लीजिए, आप मान लीजिए बुद्धिज्म पे कोई बुक ले रहे हैं, आप जैनिज्म पे कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको सेम ऑपरेशन मिलेगा. आपको वट पैटर्न यू विल फाइंड इज कि सबसे पहले हो रहा है पूर्व पक्ष, यानी कि सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर क्या करेगा कि मान लीजिए अगर बुद्धिस्ट कोई अपना एक व्यू प्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, मान लीजिए फ्रीडम को लेकर या लिबरेशन को लेकर, सो फर्स्ट ही विल प्रेजेंट पूर्व पक्ष. पूर्व पक्ष यानी कि उसके ओपोनेंट्स का फ्रीडम के ऊपर क्या कहना है. मान लीजिए जैना व्यू क्या है फ्रीडम को लेकर, मान लीजिए मीमांसा व्यू, एट यू नो वैशेषिका, सांख्या, डिफरेंट स्कूल्स, योगकारा स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो डिफरेंट स्कूल्स का फ्रीडम के ऊपर लेकर डिफरेंट क्या व्यूज है उसके ऑपोजिशन का, जो उनसे व्यू अलग रखते हैं. देन He will present the खंडन of it, the refutation of it. फिर वो धीरे धीरे करके एक एक हर एक व्यू को refute करेंगे, हर एक व्यू की गलतियां बताएंगे कि क्यों जो ये वाला पर्टिकुलर स्कूल इस चीज में बिलीव करता है वो गलत क्यों है. देन ही विल प्रेजेंट द उत्तर पक्ष, द सबसिक्वेंट, दैट वो खुद का व्यू प्रेजेंट करेंगे कि वॉट दे बिलीव फ्रीडम एक्चुअली इज. और फिर उसका वो सिद्धांत या कंफ्यूजन निकलेगा कि कंफ्यूजन में वट एवर दैट दिस इज द करेक्ट व्यू या हेंस वी हैव प्रूव दैट फ्रीडम इज दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजंस. तो आप देखेंगे कोई भी इंडियन फिलोसफी की बुक आप लेंगे तो आपको सेम पैटर्न हर जगह पर मिलेगा, जबकि वेस्टर्न फिलोसफी में इज अ डिफरेंट पैटर्न. वो लोग मेटाफिजिक्स के ऊपर लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग सेपरेटली फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स. हमारे इसमें कंबाइन मिलेगा आपको कोई भी एक पॉइंट, हर पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको If they are talking about freedom, they will also talk it about from the point of view of metaphysics, from the point of view of epistemology, from the point of view of ethics, morality, everything. In a very real sense, Indian philosophies are pragmatic. Pragmatic यानी कि practical है, pragmatic है क्योंकि उनका एक strong practical bent हमें देखने को मिलता है. Indian thinkers की जो aim है philosophy का वो सिर्फ intellectual curiosity यानी questions को के answers ढूंढना सिर्फ उनका aim नहीं है. सिर्फ theoretical truths के पीछे pursue करना, सिर्फ theory form करना नहीं है. उनका important aim है कि हमारी quality of life, हमारी style of life में एक difference आना चाहिए. अगर एक philosophy चाहे कितनी भी sophisticated हो, चाहे कितनी भी इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग हो, अगर वो हमारी लाइफ के ऊपर कोई डिफरेंस ही नहीं ला रही है, हमारी लाइफ में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रही है, तो फिर उस फिलॉसफी का कोई मतलब नहीं है. वो सिर्फ एक थ्योरी है विच इज इररिलेवेंट टू अस. तो कैरेक्टर एंड लाइफ ऑफ अ फिलोसफिकल आइडियलिस्ट, मतलब कि
एक फिलोसॉफिकल आइडियलिस्ट और एक फिलोसॉफिकल रियलिस्ट के बीच में एक डिफरेंस दिखना चाहिए कि एक आइडियलिस्ट जिसके सिर्फ आइडियाज है, जिसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और एक रियलिस्ट जिसका रियल लाइफ में डिफरेंस बेयर दिख रहा है, कि जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टाइल ऑफ लाइफ में हमें डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, और वो डिफरेंस हमें इंडियन फिलोसफी में दिखता है. तो डिस्पोजिशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन हु एक्सेप्ट्स अ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच गॉड एक्सिस्ट शुड डिफर फ्रॉम दैट वन हुज फिलोसफी रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ गॉड. तो एक ऐसी फिलोसफी जो गॉड को एक्सेप्ट कर रहा है और एक ऐसी फिलोसफी जो गॉड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखना चाहिए. तो पॉइंट ये बात है, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन फिलोसफी सिर्फ इंटेलेक्चुअल थियोरिटिकल लाइन्स या फिर सिर्फ इस वजह से नहीं है, ये इससे बियॉन्ड जाके एक इंसान की पर्सनालिटी, एक इंसान की लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस लाने का काम करती है. वो इंडियन फिलोसफी का एम है, ये है कि हमारी लाइफ जो है वो फ्री, एनलाइटनमेंट हो, फ्रीडम हो, यानी कि प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में एक डिफरेंस आना चाहिए. तो इंडियन सोसाइटी का फिलोसोफर जो है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का मैन नहीं है, वो नॉलेज, पीस, फ्रीडम, विजडम, इन सबका एक लिविंग एग्जाम्पल भी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो चेंजेस सोसाइटी में लाने के काबिल है. वो उसका एक पूरा लिविंग एग्जाम्पल है कि वो सच में भी नॉलेज को, फ्रीडम को, पीस को सोसाइटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है. एक्चुअल में सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, इस रीजन की वजह से फिलोसोफर्स, इंडियन कल्चर के फिलोसोफर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एडमायर्ड है, रिवर्ड है. ए फिलोसोफर इज नॉट रिस्पेक्टेड मेयरली फॉर हिज सटल डायलेक्टिकल पावर्स एंड वास्ट थियोरेटिकल नॉलेज. सिर्फ क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, उसकी इंटेलेक्चुअल थ्योरी बहुत अच्छी है, वो डिबेट बहुत अच्छी कर सकता है, सिर्फ इन रीजंस की वजह से एक फिलोसोफर एक अच्छा फिलोसोफर नहीं बनता है. वो इसलिए रिस्पेक्टेड होता है क्योंकि वो जो विजडम रिफ्लेक्ट करता है, जो जिस वजह से लाइफ में चेंजेस हम ला सकते हैं. क्योंकि इंडियन फिलोसफी का बेसिक एम है कि हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमारे लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करना है, और हमें अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए. हमें हमारी लाइफ से सोरो, हार्डशिप्स को हटाना है. नो मैन हाउएवर ग्रेट हिज लर्निंग एंड स्कॉलरशिप विल बी कंसिडर्ड अ फिलोसोफर इन द इंडियन कल्चर अनलेस ही इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम ईगोइज्म, ग्रीड, पेटीनेस एंड हैज द पॉजिटिव वर्च्यूज ऑफ अ नोबल डिस्पोजिशन, अ ट्रैंक्विल माइंड एंड अ यूनिवर्सल आउटलुक. यानी कि जब तक किसी एक इंसान में ये हम क्वालिटीज नहीं देखते, जब तक हम किसी इंसान में ईगोइज्म, ग्रीड, पेटीनेस, ये सब चीजें हट नहीं जाती, तब तक इंडियन कल्चर में हम उसको फिलोसोफर ही नाम नहीं देते. यानी कि आपको अगर इंडियन फिलोसोफर बनने का द वेरी प्री रिक्विजिट ये चीज आस करते हैं कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, आपके अंदर छोटा बड़े का भेदभाव वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी पॉजिटिव वर्च्यूज होने चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करे आपके वर्क में भी, शांत माइंड, यूनिवर्सल आउटलुक होना चाहिए, जो सिर्फ अपनी तरफ सब ध्यान नहीं दे रहा है, वो यूनिवर्सैलिटी को दे रहा है. आप अगर देखेंगे इंडियन फिलोसफी में हमने पढ़ा कि सबसे पहला काम होता है उत्तर पक्ष का और खंडन का. तो जब एक इंडियन फिलोसफर दूसरों के व्यू को प्रेजेंट करे, यानी कि उसने दूसरे के, उसका आउटलुक यूनिवर्सल है, उसने अपने ओपोजिशन के, अपने ओपोनेंट के व्यू को भी पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आया कि वाई हिज और हर व्यू इज बेटर और नॉट. तो ब्रीफ में एक फिलोसोफर की लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीकों से मासेस की लाइफस्टाइल से डिफरेंट होना चाहिए. अगर एक फिलोसोफर और अगर कॉमन मैन की लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो देन द पर्सन इज नॉट फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी. तो हम ये नहीं कह रहे कि हर इंडियन फिलोसोफर जो है वो इस कंसेप्शन पे फिट करता है, हर इंडियन फिलोसोफर वैसा ही है, लेकिन हम सिर्फ एक जनरल व्यू की तरफ पॉइंट करें कि इन जनरल जो हम अगर मेजर इंडियन फिलोसफर्स देखेंगे तो उनका कंसेप्शन, उनका लाइफस्टाइल, ये सारी क्वालिटीज उन पे फिट होती है. वी माइट रिमार्क दैट अ सिमिलर इमेज ऑफ द फिलोसफर्स टू बी फाउंड इन ट्रेडिशंस ऑफ चाइना एंड जापान. तो रामकृष्ण पुलिकंडला जो है वो एक तरीके से एशियाटिक फिलोसफी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर एशियाटिक फिलोसफी को एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं अगेंस्ट दी वेस्टर्न फिलोसफी. तो चाइना और जापान के चाइनीज एंड जापानीज फिलोसफी में भी हमें कुछ इसी तरीके का व्यू देखने को मिलता है. सो जो बुद्धिस्ट फिलोसफर जो है वो खुद वायलेंस नहीं करता है किसी लिविंग बींग को, थॉट, वर्ड या डीड, किसी में भी, ना वो मन से, ना वो वचन से, ना वो काया से, थॉट, वर्ड और डीड, किसी भी तरीके से वो किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं कर रहा है. अकॉर्डिंगली वो अपना खुद का व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकता है, वो उसको डिफेंड करेगा, वो सामने वाले के व्यू पॉइंट भी पढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले के व्यू पॉइंट की हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, वो उसको समझेगा. एक बुद्धिस्ट फिलोसफर का जैसे हमने एग्जांपल दिया था फ्रीडम को या कोई भी टॉपिक को लेकर, दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, तो वो इस तरीके से नहीं कि वो मजाक उड़ाएगा, ये कुछ भी बोल रहा है, ये तो गलत है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझेगा, देखेगा कि व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइन, वो क्यों गलत है, उसका पूरी तरीके से
एक थॉट प्रोसेस के बाद, एक पूरा एक प्रोसेस करने के बाद वो उस पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करेगा. वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो इस कॉन्ट्रडिक्शन के लॉ को या फिर इस सब को मानता ही नहीं है. तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक फिलोसफी को कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर देगा. सामने वाले की फिलोसफी, कंपेरेटिव फिलोसफी, इस सब में वेस्टर्न फिलोसफी का कोई वो ही नहीं है. सो कॉन्सिक्वेंटली ड्यूरिंग अ डिस्कोर्स द बुद्धिस्ट फिलोसफर मे समटाइम्स नॉट रिप्लाई इन क्लियर कट अफर्मेशन एंड निगेशन. दिस मे बी टोटली डिसर्निंग कंसर्टिंग द वेस्टर्न थिंकर. दिस ओके. नाउ कमेंटिंग इन द सेम ऑन द वेस्ट पेक्यूलियर एलिवेशन ऑफ द लॉज ऑफ थॉट टू एन एब्सोल्यूट स्टेटस प्रोफेसर. ओके, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. सो दे आर बेसिकली यस्टरडे टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि कई बार हो सकता है कि ये इंडियन फिलोसोफर जो है वो बहुत ही क्लियरली किसी चीज को निगेट या अफर्म नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी कई बार हो सकता है कि उसके आंसर वेग हो, बहुत ज्यादा क्लियर ना हो. बट द मेन पॉइंट इज कि द वेरी फैक्ट कि एक इंडियन फिलोसोफर ने दूसरे इंडियन फिलोसोफर का एक टॉपिक को लेकर व्यू समझा है, पढ़ा है, उसको रिफ्यूट करने की पावर रखता है. वी हैव कोटेड एट लेंथ इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट अवर पॉइंट दैट फ्रॉम दी स्टैंड पॉइंट इंडियन अ फिलोसोफर्स विजन ऑफ रियलिटी शुड हैव अ सीरियस बेयरिंग अपॉन हिज लाइफ एंड कंडक्ट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फिलोसोफर के जो व्यूज है वो उसकी लाइफ के ऊपर एक इफेक्ट डालना चाहिए, उसकी लाइफ में, उसके कंडक्ट में एक डिफरेंस दिखना चाहिए आम लोगों के कंडक्ट से. अगर नहीं दिखता है, इफ डज नॉट, इट कैन नो वे सर्व. तो अगर वो खुद की लाइफ में चेंजेस नहीं ला पा रहा है, तो वो किसी दूसरे के लिए कोई भी तरीके से गाइडिंग लाइट या फिर एक तरीके से आइडियल या फिर एक तरीके से वो नहीं बन सकता है. तो अगर हम देखें कि द फोर बेसिक एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ पुरुषार्थ, जैसे कि अर्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, रिकग्नाइज बाय द इंडियन ट्रेडिशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष. तो हम यही बात कर रहे हैं कि इंडियन फिलोसफी में जो भी फिलोसफर है, जो फिलोसफी वो देते हैं, उससे उनकी लाइफ पे, उसके कंडक्ट में हमें डिफरेंस दिखता है. धर्म के बहुत सारे मीनिंग है संस्कृत में. अब बेसिकली हम लोग पुरुषार्थर्स की बात करेंगे. सो फोर पुरुषार्थर्स का हम यहाँ पर एक तरीके से रिकैप लेंगे. जो धर्म है उसका संस्कृत में बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग है, और वो Nevertheless, we can convey its basic sense by noting that it derives from the root dhra, means to sustain, to maintain, to support. तो धर्म जो है उसका ध्री से आता है, और ध्री का मतलब होता है सस्टेन करना, मेंटेन करना, सपोर्ट करना. तो यानी कि धर्म की जब हम बात करते हैं फोर पुरुषार्थर्स के व्यू में, तो हम बात कर रहे हैं हमारे ड्यूटीज की, हमारे ऑब्लिगेशंस की, जस्टिस की, हमारे कंडक्ट के रूल्स की, गाइड्स फॉर एक्शन. ये सभी धर्म के अंदर आते हैं कि हमारी ड्यूटीज क्या है. मान लीजिए कि अगर एक फैमिली में कोई बेटा है, तो उस बेटे की सर्टन ड्यूटीज है, फादर की सर्टन ड्यूटीज है, मदर की सर्टन ड्यूटीज है, डॉटर की सर्टन ड्यूटीज है. हर एक पर्टिकुलर पर्सन की एक ड्यूटी होती है. सिर्फ फैमिली में ड्यूटी नहीं होती है, सोसाइटी में ड्यूटी होती है, एट लार्ज पूरे नेशन की तरफ हमारी ड्यूटी होती है. तो सोसाइटी में भी हमारी सोशल ड्यूटी होती है. तो जब हम बात करें धर्म की, हम बात करें हमारे ड्यूटीज की, जस्टिस की, ऑब्लिगेशंस की, कि जो चीज हमें करना ही है. और धर्म एक तरीके से हमारे एक्शंस को गाइड करता है, हमारे कंडक्ट को गाइड करता है, हमारे कंडक्ट के लिए रूल्स है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उन सबको गाइड करता है धर्म. तो सिंस आर एसेंशियल टू द प्रोटेक्शन एंड परपेचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. तो धर्म एक तरीके से एक इंडिविजुअल को और एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखता है. फोर पुरुषार्थस के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन का एक धर्म है, और अगर हर एक पर्सन एक धर्म को फॉलो करेगा, तो वो दूसरे इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन भी कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ की फ्रीडम के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहा है, और एट लास्ट सोसाइटी एक अच्छी तरीके से चल रही है. सोसाइटी बहुत ही सिस्टमैटिकली वर्क करती जा रही है, अगर धर्म का प्रॉपर फॉलो हो रहा है तो. तो धर्म जो है वो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन एक इंडिविजुअल की खुद की तरफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी की इंडिविजुअल की तरफ. तो धर्म का बेसिक जो है वो धर्म एक तरीके से लोगों को हारमोनियसली रहने को कहता है, कि सिखाता है कि कैसे लोग एक साथ हारमोनियसली रह सके, अपने फंक्शंस को फुलफिल करें, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें, खुद की इच्छाओं को, तमन्नाओं को फुलफिल कर सके, दूसरे की वेलबींग की तरफ, सोसाइटी की वेलबींग की तरफ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सके. अलग इंडिविजुअल्स की अलग ड्यूटीज होती है, अलग ऑब्लिगेशंस होती है, उनकी एप्टीट्यूड्स, उनकी इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी, उनकी पोजिशन, उनकी रिलेशन, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके हर किसी की अलग ड्यूटी होती है, अलग धर्म होता है. तो इट इज ऑब्वियस हाउएवर दैट सभी इंडिविजुअल्स के पास कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ ऑब्लिगेशन होती है जो कॉमन है. मान लीजिए कि जस्टिस सबको करना है, कोई भी इनजस्टिस नहीं करेगा, सभी को फ्रीडम होनी चाहिए और दूसरे पर्सन को भी फ्रीडम देना ही है. तो दीज आर सम ड्यूटीज, सम धर्म जो कि सब में कॉमन है. तो धर्मा के जैसे अर्थ के भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. अर्थ का रूट मीनिंग है दैट विच वन सीक्स. अर्थ यानी कि अर्थ का एक कॉमन मीनिंग है, जिस तरीके से हम अब समझेंगे उसका मतलब है कि अर्थ एक ऐसी चीज है जो लोग सीक करते हैं, लोगों को चाहिए,
ब्रॉडली स्पीकिंग अर्थ मतलब वंस मीन्स ऑफ सपोर्टिंग वंस लाइफ. अर्थ एक तरीके से एक जरिया है ताकि लोग अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सके. इकोनॉमिकली हो गया, फाइनेंशियली हो गया, तो अर्थ में जॉब, वेल्थ, मटेरियल, नेसेसरी मीन्स, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए यूज होता है. यानी जो मटेरियल चीजें हमें लाइफ में जीने के लिए चाहिए, हमें पैसे की भी जरूरत होती है हमारे बेसिक इम्यूनिटीज को फुलफिल करने के लिए, नो खाना पीना रहना सोना, वो सभी चीजें अर्थ में आती है. इसका मतलब, लेकिन अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी लाइफ का स्पिरिचुअल मीन हट गया. इनफैक्ट मटीरियल वेलबींग स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. यानी कि अगर हम स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ना है तो उसके पहले हमारा मटीरियल कन्फर्ट होना चाहिए. यू नो कि ये बात की जाती है कि ये एक बहुत ही फेमस कोट भी है, विच आई कैन नॉट कोट एज इट इज, लेकिन उसका मीनिंग वो यही है कि यू नो अगर हम बात करें कि तीन लोगों से पूछा गया था व्हाट इज इट दैट यू थिंक ऑफ, सो एक बोलता है रोटी, दूसरा बोलता है धर्म, मतलब इस तरीके से कुछ था. तो बात ये है कि अगर इंसान भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, अगर वो भूखा है तो वो सोचेगा भी भूख के बारे में, प्यास के बारे में, आराम के बारे में. तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ के पहले हमारे लिए मटेरियल कम्फर्ट होना चाहिए कि अगर हम पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो उसके पहले हमारा पेट भरा होना चाहिए. तो जो अर्थ है वो एक चीज यही सिग्निफाई करता है कि ये जॉब, ये मनी, ये मटेरियल, ये ऐसा नहीं है कि ये सब मोह माया है, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम भूखे बैठे हुए हैं तो वी कैन नेवर थिंक ऑफ द स्पिरिचुअल, वी कैन नेवर थिंक ऑफ एग्जिस्टेंस. हम कभी भी अपने उसके बारे में, लिबरेशन के बारे में इतने नहीं सोच सकते. इसीलिए अर्थ या फिर मटीरियल वेलबींग का होना हमारे लिए जरूरी है. हाउएवर मैन शुड नॉट अर्न हिज लिविंग एंड अक्वायर वेल्थ इन वायलेशन ऑफ धर्म. तो अर्थ जो है वो धर्म के वायलेशन में नहीं होना चाहिए. यानी अर्थ और धर्म एक साथ चलना चाहिए. तो अर्थ अक्वायर करना, अर्थ जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी से, मर्डर से, किलिंग से, धोखा देकर हम पैसे कमा रहे हैं. तो जो अर्थ है वो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए. हमारा धर्म क्या है? जस्टिस करना, फ्रीडम करना, ड्यूटी फॉलो करना, सोसाइटी में मेंटेन रखना, हार्मनी मेंटेन करना, ये हमारा धर्म है. तो हमारा अर्थ जो है वो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए. लेकिन वेल्थ इज ओनली अ मीन्स एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ. यानी कि वेल्थ सिर्फ एक जरिया है, वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल नहीं है. वेल्थ एक जरिया है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का. वेल्थ का पर्पस है काम. काम यानी प्लेजर और एंजॉयमेंट. तो काम में सभी चीजें आ जाती है, फूड आ जाता है, ड्रिंक आ जाता है, सेक्स, होम, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग कम्स अंडर काम. काम का मतलब प्लेजर होना, काम का मतलब एंजॉयमेंट होना. तो जब हम बात करते हैं जैसे कि काम सूत्र, तो उसमें ये सभी चीजों के बारे में एट लार्ज, इन एट लेंथ बात करी गई है. प्लेजर और एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं है कि प्लेजर और एंजॉयमेंट से कोई व्यक्ति यू नो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है या फिर वो स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है. दीज आर इंपॉर्टेंट. ये आदमी का एक एम होता है. हम अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ्रीडम की भी बात करें, तो हमारा एम कहीं ना कहीं लिबरेशन, फ्रीडम, अल्टीमेट हैप्पीनेस ही है. तो अर्थ और काम जो है वो एक साथ शुड बी इन हार्मनी विथ द धर्म. तो काम की भी जब हम बात कर रहे हैं, प्लेजर की बात कर रहे हैं, हम इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल मीन्स के लिए. और हमारा फोर्थ एम लाइफ का है मोक्ष. मोक्ष डिराइव होता है मुख से. मुख का मतलब होता है टू फ्री, टू बी फ्री, टू बी टू इमैन्सिपेट, फ्रीडम होना किसी चीज से, इमैन्सिपेशन होना, रिलीज होना. तो मोक्ष का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम. जब हम पूछते हैं लेकिन फ्रीडम और रिलीज किस चीज से फ्रीडम होना, हम बहुत कह रहे कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, लेकिन हमें कंप्लीट फ्रीडम किस चीज से चाहिए? तो ये आंसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आंसर के बहुत सारे अलग अलग पहलू है. तो मोक्ष जो है, अगर हम लेट अस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट द वेरी फैक्ट दैट इंडियन फिलोसफीज जो है वो मोक्ष को एक अल्टीमेट गोल मानते हैं लाइफ का. यानी कि बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स, चाहे वो बुद्धिज्म हो गया, चाहे वो जैनिज्म हो गया, हिंदुज्म हो गया, उपनिषदिक थिंकर्स हो गए, बहुत सारे स्कूल्स में जो मोक्ष है वो एक तरीके से इंसान की अल्टीमेट फ्रीडम है, अल्टीमेट गोल है लाइफ का, कि आपको अल्टीमेट गोल सबसे ज्यादा है वो है चाहिए आपको मोक्ष, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट. तो लगभग सभी इंडियन स्कूल्स के अकॉर्डिंग मैन की जो स्टेट है सफरिंग की, अनफ्रीडम की, ये उसके ओरिजिनल सिन इज नॉट ड्यू टू एनी ओरिजिनल सिन ऑन हिज पार्ट, बट टू ओरिजिनल इग्नोरेंस. तो द मेन रीजंस की मैन सफर कर रहा है वो सिर्फ कोई उसका कोई नो सिन, पाप, उससे नहीं, बट ओरिजिनली अविद्या. अविद्या यानी इग्नोरेंस. कि इंसान जो है, जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो उसके ट्रू बींग और ट्रू नेचर को लेकर इग्नोरेंट है. उसे पता ही नहीं है कि उसका ट्रू नेचर क्या है, उसका ट्रू मीन क्या है. तो जो उपनिषद है वो एक इंसान को सिखाते हैं कि उसका ट्रू बींग है आत्मन, ब्राह्मण, अल्टीमेट रियालिटी.
जो कि इनफाइनाइट है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, इनफाइनाइट है, वो कितना भी पढ़ा मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, हमेशा इटर्नल, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, और इमॉर्टल है, कभी मरेगा नहीं, वो आत्मन जो है इट इज लाइक दैट। लेकिन क्योंकि उसकी इग्नोरेंस है, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, इस चीज़ की उसको सही समझ नहीं है, तो मैन अपने आप को फाइनाइट और पेरिशेबल थिंग्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। मैन अपने आप को बॉडी का हिस्सा, माइंड, ईगो, ये सारी चीज़ें, मटेरियल अटैचमेंट्स के साथ वो अपने आप को अटैच कर लेता है और फिर सफर करता है। तो मैन ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि उसकी जो आत्मा है, जो उसकी आत्मन है, वो इनफाइनाइट है। वो इग्नोरेंस के चलते अपने आप को मटेरियल चीजों के साथ रिलेट कर लेगा। इट इज ओनली बाय अटेनिंग द नॉलेज दैट इन हिज ट्रू बीइंग ही इज इंडीड अल्टीमेट रियलिटी दैट मैन कैन कॉन्कर इग्नोरेंस एंड बॉन्डेज एंड बिकम फ्री। तो अल्टीमेट हमारा यही है कि अगर हम इस इग्नोरेंस के ऊपर कॉन्कर कर सके, हम अगर ट्रू नॉलेज, विद्या पा सके अविद्या के स्टेट से, देन वी कैन बिकम फ्री। तो फ्रीडम जो है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन आता है। रियलाइजेशन, इस चीज की अनुभूति होना, इस चीज का यू नो रियलाइजेशन होना कि मैन, हमारा आत्मन इमॉर्टल है, इटर्नल है, इनफाइनाइट है, प्योर है, तो वो हमेशा रहेगा। ये बॉडी कुछ समय के लिए है, ये पेरिश हो जाना है, ये खत्म हो जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इमोर्टैलिटी को एंडलेस एग्जिस्टेंस नहीं समझना चाहिए, बट मैंस डिस्कवरी दैट इज आइडेंटिकल विद द ऑल कंपैसिंग इटर्नल रियलिटी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इमोर्टैलिटी की, इमोर्टैलिटी का मतलब नहीं कि हमेशा जिंदा रहेगा रहेगा रहेगा, लेकिन हम इमोर्टैलिटी की बात करें तो हम बात करें इटर्नल रियलिटी की, जो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, इट विल नेवर एंड। ऐसे रियलाइजेशन पे बर्थ एंड डेथ आर सीम टू बी प्रोडक्ट्स ऑफ इग्नोरेंस, कि हमारी बर्थ और डेथ, हमारा बर्थ रीबर्थ साइकिल, संसार जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारी इग्नोरेंस की वजह से। हमें एक्चुअल में ट्रू रियलिटी, ट्रू नॉलेज के बारे में पता ही नहीं है, हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फंस जाते हैं। Equally important is the fact that all schools of Indian philosophy teach that moksha is not a state to be looked forward to after death. Quite the contrary, it is to be attained here and now. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है वो ये है कि मोक्ष को ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मरने के बाद हमें मिलना है, जबकि उपनिषदिक थिंकर्स का यानी कि उपनिषद का कहना है कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मरने के बाद मिलना है। मोक्ष हमें इसी लाइफ में जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए बिल्कुल आसानी से मिल सकती है। मोक्ष का मतलब है सेल्फ के बारे में रियलाइजेशन होना। जब हमें हमारे बारे में, खुद के बारे में ट्रू नॉलेज होगी तब हमें मोक्ष मिल जाएगा। उसके लिए हमारी डेथ का होना जरूरी नहीं है, हमारा मरना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे मरने के बाद हमें जो है वो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष इस बॉडी में रहते हुए, इस लाइफ में रहते हुए, सब चीजों को एंजॉय करते हुए मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि मोक्ष का एक्चुअल मतलब है कि उस इग्नोरेंस से फ्रीडम होना। तो इट शुड नॉट बी ऑब्वियस नाउ व्हाई एवरी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के रिकग्नाइजेज योगा इन सम फॉर द अदर एज अ फिजिकल मेंटल डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। इसलिए कहीं ना कहीं हर स्कूल योग को एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, एक फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन मानता है, जो कि एक हमारे इच्छाओं को, डिजायर्स को काबू में रखेगा। सेम पॉइंट में भी एक्सप्रेस बाय सेइंग दैट बायोलॉजिकल एंड सोशल फुलफिलमेंट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशियंट कंडीशन फॉर अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। यानी कि बायोलॉजिकल फुलफिलमेंट होना, सोशल फुलफिलमेंट होना, ये नेसेसरी है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसका होना जरूरी है, काम का होना, सेक्सुअल प्लेजर्स का होना, फूड, ड्रिंक, इन सभी का, ड्रिंक का मतलब नॉट ऑफ कोर्स अल्कोहल एंड बियर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट बाय दैट वी मीन कि हमारे यू नो डिजायर्स का एक तरीके से ग्रेटिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल फुलफिलमेंट, सोशल फुलफिलमेंट, एक फैमिली होना, फ्रेंड्स होना, फ्रेंडशिप होना, रिलेशंस होना, ये सारी चीजें जरूरी है, सब नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ इनका होना काफी नहीं है मोक्ष के लिए। हर इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम जो है वो ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स में क्लासिफाइड है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मतलब जो वेदास को एक्सेप्ट करता है, अनऑर्थोडॉक्स जो वेदास को एक्सेप्ट नहीं करता है। A word for caution for the Western Indian is necessary here. The fact that a system is orthodox does not necessarily mean that it is theistic. तो जब हम बात करते हैं कि वो orthodox है, इसका मतलब ये नहीं कि वो theistic है, वो भगवान में विश्वास करता ही करता है। एक सिस्टम orthodox के साथ atheistic भी हो सकता है। इसका रीजन है कि theism और atheism जो है, यानी कि the belief in God and not the belief in God, theism, theology, it represents religion. तो ये वेदास के टीचिंग्स के साथ कंपैटिबल है, दोनों ही, थीज़म भी अथीज़म भी। फॉलोइंग आर जनरली रिगार्डेड एज ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ये सारे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, यानी कहीं ना कहीं ये वेदास के लाइंस के ऊपर बेस्ड है। और अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, चार्वाक
वॉकिज्म यानी कि मटेरियलिज्म. तो चार्वाक फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी ये अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स है क्योंकि ये वेदास की फिलोसफी को रिजेक्ट करते हैं. वन में हाउएवर कंसिडर सांख्या, योग, न्याय और वैशेषिका टू बी नीदर ऑर्थोडॉक्स नॉर ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स सिंस दे ओरिजिनेटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द वेदास दैट इज विदाउट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग देम. तो सांख्या, योग और न्याय और वैशेषिका कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों ही नहीं मानेंगे क्योंकि ना तो उन्होंने वेदास की बात ही नहीं की है, ना उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, ना उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया. तो उनके ओरिजिनल फॉर्म में सांख्य और योग जो है वो एथिस्टिक है जबकि न्याय और वैशेषिका थीस्टिक है. यानी कि न्याय और वैशेषिका एक गॉड में बिलीव रखते हैं, सांख्य और योग गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं. दैट वी मे रिमाइंड द रीडर दैट ऑल दीज आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल. फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू सम स्कॉलर्स कंबाइन द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स इन फेयर. अब कुछ स्कॉलर्स जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को पेयर्स में कर देते हैं, योग सांख्य, न्याय वैशेषिका, मीमांसा वेदांता, इनको एज पेयर्स पढ़ते हैं. इन पेयर बनाने का बेसिस ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ईच ऑफ द थ्री पेयर्स पर्टेन्स टू द प्रैक्टिस एंड सेकेंड टू थ्योरी. यानी कि योग जो है वो प्रैक्टिस है, न्याय जो है वो प्रैक्टिस है, मीमांसा इज द प्रैक्टिकल पॉइंट एंड सांख्या, वैशेषिका और वेदांता आर द थ्योरी पार्ट. यानी कि सांख्या में जिस थ्योरी की बात की जा रही है योग में उसी को प्रैक्टिस किया जाता है, वैशेषिका में जिस थ्योरी की बात की जाती है न्याय में उसका ये प्रैक्टिकल वर्जन है, वेदांता में जिस थ्योरी की बात की जाती है मीमांसा में उसका प्रैक्टिकल वर्जन है. यानी कि योग, न्याय और मीमांसा आर द प्रैक्टिकल फॉर्म्स ऑफ इट, सांख्या, वैशेषिका और वेदांता आर द थ्योरेटिकल पार्ट्स. तो योगा इज अ प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग टॉट बाय द थ्योरेटिकल सिस्टम ऑफ सांख्य. तो सांख्य जिस चीज को सिखाता है योगा उसको प्रैक्टिकली लाइफ में फिजिकली मेंटली करता है. न्याय जो है वो उसी तरीके से मेथोडोलॉजी है और वैशेषिका जो है वो उसका फिजिकल सिस्टम है. सिमिलरली मीमांसा और वेदांता, तो न्याय जो है वो उसकी मेथोडोलॉजी है और इसी तरीके से वैशेषिका जो है वो उसकी थ्योरी पार्ट है को पर्टेन करता है. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन टू ऑल सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी विद द सिंगल एक्सेप्शन ऑफ मटीरियलिज्म. यानी चार्वाकिज्म को छोड़ के ये कुछ पॉइंट्स है जो सभी इंडियन फिलोसफीज में कॉमन है. पहला, जो सभी स्कूल्स इंसिस्ट दैट नो अकाउंट ऑफ रियलिटी व्हिच फेल्स टू डू जस्टिस टू रीजन एक्सपीरियंस कैन बी एक्सेप्टेड. By reason is meant here the canons of formal reasoning as well as those of inductive inquiry. Similarly, experience is to be understood in its broadest sense, which includes everyday commonsensical experience, scientific experience, and extraordinary states of consciousness. तो जब हम बात करते हैं कि सभी schools जो है वो insist करते हैं कि no account of reality which fails to do justice to reason experience can be accepted. यानी कि reality को reason और experience के lines पे work करना चाहिए. तो रीजन का मतलब सिर्फ फॉर्मल रीजनिंग नहीं होता है बट इंडक्टिव रीजनिंग भी, हम जो चीजों को इंड्यूस करते हैं. सिमिलरली एक्सपीरियंस का सबसे ब्रॉडेस्ट सेंस में हम देखें तो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस के साथ साथ साइंटिफिक एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो अनकॉन्शियस कॉन्शियसली हम लोग करते हैं. यानी कि रीजन और एक्सपीरियंस. सेकेंड, सारे सिस्टम ये मेंटेन करते हैं कि जितनी भी एक्सेप्टेबल फिलोसफी है उसका मेन एम होना चाहिए पुरुषार्थास का रियलाइजेशन, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, इनका. ब्रीफली सारे फिलोसफीज इंडिया के आर फिलोसफीज ऑफ लाइफ. तो जो भी फिलोसफी है ऑफ दिस टाइटल शुड नॉट बी अ मियर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लाइफ में होना चाहिए. सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल या थ्योरी पार्ट नहीं होना चाहिए. एक फिलोसफी जो कि इंसान के क्वालिटी और स्टाइल ऑफ लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं करता है लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो इररेलेवेंट है, उसका इतना यूज ही नहीं है. टू पुट इट डिफरेंटली, फिलोसफी का एक सोटेरोलॉजिकल पावर होना चाहिए, एक इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का पावर होना चाहिए कि फिलोसफी पढ़ने के बाद इंसान जो है वो इग्नोरेंस, डार्कनेस और बॉन्डेज से नॉलेज, विजडम और फ्रीडम की तरफ मूव कर सके. थर्ड पॉइंट जो हम देख सकते हैं कि सभी सिस्टम ऑफ फिलोसफी में कॉमन है वो ये है कि वो मैन की इसेंशियल स्पिरिचुअलिटी को एक्नॉलेज करता है, फ्रीडम को हाईएस्ट गोल मानता है. हर फिलोसफी में हम मटेरियलिज्म को छोड़ के सभी लगभग फिलोसफीज जो है उनका कहना यही है कि फ्रीडम जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है और वो डिमांड करते हैं कि फिलोसफी बताएगा तरीका कि उस अल्टीमेट फ्रीडम को पाने का. फोर्थ, सभी स्कूल ये पढ़ाते हैं कि मैन की स्टेज जो इग्नोरेंस और सफरिंग है वो ओरिजिनल इग्नोरेंस की वजह से, ओरिजिनल सिन की वजह से नहीं. यानी कि वो सफर इसलिए नहीं करे क्योंकि उसने कुछ पाप किए, वो सफर इसलिए करा है क्योंकि वो इग्नोरेंस की स्टेट में है. अकॉर्डिंगली फ्रीडम और लिबरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस इग्नोरेंस को जीत कर नॉलेज के थ्रू ही पाया जा सकता है. सिक्स्थ, सभी सिस्टम्स होल्ड करते हैं कि कोई लिमिट नहीं है परफेक्टिबिलिटी की, वो इनफाइनाइटली इन परफेक्टेबल है.
Reason for this view is that man contains within himself the secret of all existence. As the Upanishads teach, man's inmost self is Brahman, and as Buddhism teaches, every man is Buddha, only he should know that case. तो सभी का कहना है कि उस इंसान के अंदर ही पूरा के पूरा संसार है, पूरी रियलिटी है, सभी चीजों के सीक्रेट है. तो मैन की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी परफेक्ट हो सकता है, वो इनफाइनेटली परफेक्ट परफेक्ट हो सकता है. सभी स्कूल जो है वो आर्ग्यू करते हैं कंप्लीट फ्रीडम के बारे में, और वो कंप्लीट फ्रीडम जो है वो यहीं पर बॉडीली एग्जिस्टेंस में मिल जानी चाहिए, उसके लिए डेथ जरूरी नहीं है. सभी सिस्टम्स जो है वो योग को एक्सेप्ट करते हैं एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. सभी एक्नॉलेज करते हैं कि कर्मा के डॉक्ट्राइन के थ्रू बर्थ रीबर्थ को हम कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ला सकते हैं. एंड ऑल स्कूल्स एम्फेटिकली रिजेक्ट एज अपसर्ड एनी सजेशन दैट मैन इज नथिंग बट अ मटीरियल एंटिटी. तो हर स्कूल जो है वो इसको वो करते हैं कि मैन सिर्फ मटीरियल एंटिटी नहीं है, उसके बियॉन्ड भी इंसान में चीजें हैं, उसकी आत्मा है, उसकी सोल है. सभी सिस्टम होल्ड करते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है उसको सेंस और इंटेलेक्ट के थ्रू नहीं, बट एक्सपीरियंस्ड इन डायरेक्ट नॉन परसेप्चुअल नॉन कंसेप्चुअल, यानी कि वो एम्पिरिकल फाइंडिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं. इंडियन स्कूल के सभी स्कूल जो है वो कहना कि एम्पिरिसिज्म की तरफ फोकस करते हैं. सभी स्कूल्स इनिशियली पेसिमिस्टिक थे, इन दैट दे बिगिन देयर फिलोसफी बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू द फैक्ट ऑफ मैन्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ इग्नोरेंस. यानी कि सभी स्कूल स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वो मैन की प्रेजेंट स्टेट बताते हैं, जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ सफरिंग है, इग्नोरेंस है, बॉन्डेज है, और उसके बाद वो फिर उनके यू नो व्यू की तरफ बढ़ते हैं जिसमें वो नॉलेज फ्रीडम और विजडम के बारे में बात करते हैं. नेवर्थलेस सभी स्कूल जो है वो अल्टीमेटली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि वो पेसिमिस्टिक से होते हुए फिर ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ते हैं. वो अनक्वालिफाइडली अफर्म करते हैं दैट इट इज विद इन द पावर ऑफ मैन टू अटेन नॉलेज, कि मैन की पावर में उसकी क्षमता है कि वो नॉलेज फ्रीडम पीस विजडम को अटेन कर सकता है. तो शॉर्ट में इंडियन फिलोसफिकल स्कूल जो है वो निहिलिज्म को रिजेक्ट करता है, एज वेल एज फिलोसफी इज द अब्सर्ड एंगस्ट एंड नथिंगनेस एंड इनइक्वली प्रोक्लेम द अल्टीमेट लाइफ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. तो ये हमने देखे कि 13 कॉमन पॉइंट्स है जो हमें चार्वाकिज्म को छोड़ के लगभग सभी इंडियन स्कूल्स में देखने को मिल जाएंगे.